अच्छा, क्या नाम बहन की आपका? शाहीन। कहाँ पे रहते हो आप? हत्ताखेड़ी। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आपको इस समय? दर्द है पैर में, दर्द है पूरा। ये साइटिक अगर दर्द है, हर को निशा बोलते हैं इसे, ठीक है ना? और ये दर्द हो, ये सब जो भी हो रहा, एक घंटे के बाद आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आधे घंटे के बाद कुर्सी पर बैठना, तुम्हें उकड़ू नहीं बैठना, लैट्रिन टॉयलेट की छूट है। और कहीं बलवाना नहीं, कहीं दिखाना नहीं, ना कोई योगा करना, ना कोई एक्सरसाइज करनी, ना कोई अंग्रेजी दवा खानी, ना कोई इंजेक्शन लगवाना। इसी से आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। अभी 4:20 हो रहे, 15 मिनट में आराम होना शुरू हो जाएगा। अभी 20 मिनट फिर इन पर कृपा करना, एक मेज बनवा दो खाना बनाने को, खड़े होकर चाय बनाओ, बीच में आकर बैठ जाओ, फिर आटा बनाओ, दाल बनाओ, बीच में बैठो, फिर सब्जी बनाओ, कुछ रहो अपना, कल से कोई दिक्कत ना मान लो, ठीक है? कोई नहीं, कोई भी दिक्कत आती जाएगी सांस वगैरह की। सांस तो कोई दिक्कत होगी, बात कर लियो एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, पहले ठीक कर लो, पहले ठीक कर लो। और जब भी आओ चलते हो फोन कर लो, कोई चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा करेगा। अल्लाह है धरती पे, ये बच्चा ही तुम्हें अल्लाह का रूप में लेकर आया, भतीजा है तुम्हारा, बस आपने ही टाइम नहीं निकालना। अब आवेंगे, आपने ही टाइम नहीं निकालना। बच्चे ने तो बहुत कोशिश करी बुलाने की, बस अल्लाह रास्ता बनावे ठीक होने का किसी ना किसी माध्यम से। ये बच्चा कई लोगों को लेकर आया और सब परमात्मा की कृपा कर रहा। ये बच्चा बहुत अच्छा है, अल्लाह की कृपा है इसके ऊपर, वरना लोग सोचते टाइम नहीं है बात करने का, मुझे जाना पड़ेगा। आज तारीख 7 मार्च है 2020, ठीक है नहीं? अगर दिन में आते में एक घंटा ही बिठाता और दर्द परमात्मा करेगा, अभी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखियो, वजन उठाना, भारी बाल्टी पानी की उठानी, सिलेंडर उठाना। हमें ऐसी गलती को ठीक होकर भी नहीं करनी। छोटी बाल्टी से पानी 4 बार उठाओ, आध्यात्मिक बाल्टी पानी की 10 बार ले जाओ। और जो पेट की समस्या हो जाए, नाभि धरण की बोलते हैं, नाभि की IBS बोल रहे हैं, नेवल डिस्प्लेसमेंट, पैन की रियाज, इसके पहनने से वो भी ठीक हो जाए। बहुत लोग आ रहे हैं आपकी तरह, 2 रोटी खा रहे, 1 रोटी खा रहे, भूख नहीं लग रही, वजन घट गया, लोग कहते हैं पेट चल गया, हिंदी भाषा में कहने पेट चल गया, नले मलवा रहे, और खराब हो जाता है पेट से मलवाने से। तो जो भी दिक्कत ऐसी किसी की हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी को भी हो, छल्ला पहनकर वो जिंदगी भर को ठीक हो जाता है, ठीक है ना? बस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सारी दुनिया से बच्चे पहनने के लिए आ रहे छल्ला। कुछ लोग डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट से मंगवा रहे, कुछ कोरियर से मंगवा रहे, विदेश तक छल्ला मंगवा रहे पिछले 3 महीने से, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कतर, दुबई, सब जगह छल्ले मंगवा के लोग पहन रहे। उसके लिए हम वीडियो फिल्म भेजते हैं, कहाँ पहनना, छल्ले बना के भेजें, लोग ठीक हो रहे, परमात्मा ने कृपा कर दी। ये सेवा हम 7 साल से कर रहे, पिछले दुनिया आके पहन गई, तुम्हारे अजीत कॉलोनी से, मदनपुरी, इसमें दुनिया की औरतें आके चली गई। अब आएगा तो तभी आदमी जब कोई बताएगा, वरना किसको क्या पता। नसों का, मसल्स का ये खेल होता है, सर्वाइकल, सर्दी का, पिंडली दर्द, सब ठीक हो जाता है, ठीक है? उड़द की दाल, कढ़ी, दही, चावल अभी 2 महीने ना खाइयो, फिर कोई परहेज नहीं पूरे जिंदगी में, सिर्फ 2 महीने 1 महीना पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ। कढ़ी जनवरी में भी खा लियो सर्दी में अगले साल, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी चीज ना खाओ जिससे दर्द बने, बाय आ जा और लगे कि मेरा दर्द वापिस आ गया, दिखे दर्द तो कढ़ी का हो रहा, ध्यान तो बात करती मतलब उड़द की दाल, बाय करे मलका की खाइयो, मूंग की खाइयो, सब खाओ, दाल छोले बनाओ, राजमा बनाओ, लोबिया बनाओ, सब खाओ, सिर्फ उड़द की दाल नहीं खानी, ना काली ना धुली, एक कढ़ी ना खाओ, अरबी ना खाओ, गागरी उसमें बहुत पाए है, ठीक है ना? यस, ये चीज़ें कोई बात नहीं,
उड़द की दाल भी ना बनाएंगे जब तक दाल दो तीन महीने परहेज कर लो, है ना। और कमर तक का दर्द तखत पे लेटियो, डल्ला पर गंदा निकाल दियो, रुई का गंदा डाल दियो, वरना ये दर्द तो खत्म हो जाएगा दो दिन में तीन दिन में। कमर का दो महीने भी ठीक नहीं होने, जब तक गद्दा नहीं निकालने के फॉर्म का ध्यान तो बात है, कंबल बिछा लो, रुई का गद्दा बिछा लो, कुछ ही करो, वो आपको सोचना, तखत पे लेटो चाहे पलंग पे लेटो चाहे पलाई पे लेटो, वो आपको देखना, लेकिन फॉर्म के गद्दे पे नहीं लेटना। तो ही निरंकार में तेरी शरण मैं तू बख्श लो, परम पिता परमात्मा का गण तेरा वास, करम करामन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सच्चे बादशाह, करते हैं मेरे सदगुरु मेरा नाम हो रहा है राम, जनों के बैठ के सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, करण करामन हार तू, सब कुछ तेरे पास सच्चे बादशाह। पहले आप चल के देखो, उसके बाद चप्पल पहनना और ध्यान दो बातचीत पे, इस पैर में जो दर्द आ रहा था परमात्मा करेगा 10 मिनट में 15 मिनट में इस गेट पे निकलने से पहले आराम मिल जाएगा, फिर इसका जोड़ा बढ़िया सा बना के दियो, ठीक हो के, यही हमारा भगवान है, यही हमारा अल्लाह है, जो हमारे दुख में खड़ा वही हमारे लिए परमात्मा है, समझ गए ना। इसी बच्चे में परमात्मा अल्लाह रहम कर, और आप भी ठीक होके कुंडे बजा बजा के बताइए मोहल्ले में, नानक दुखिया सब संसार, ठीक है ना, सारा पैसा बचाओ अपना, क्यों फालतू ऑपरेशन कराते फिर परेशान हो, ठीक है ना। इसका 5 लाख का ऑपरेशन है, सैलरी का भी 2-2, 4-4 लाख पेट पर खर्च कर दिए बच्चों ने, 4-4 बार एंडोस्कोपी करा रहे, अल्ट्रासाउंड करा रहे, सिटी स्कैन करा रहे, कुछ नहीं आता उनमें, वो बच्चे ठीक हो रहे हमारे यहाँ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और ठीक होके भी कभी आशीर्वाद देना ही हो, ठीक होके।